This is Brand Max Network India and you are watching News India Now. आज जिला फिरोजपुर में डिप्टी कमिश्नर की अगुवाही में अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर जनतक स्थानों पर लगे राजनीतिक इश्तिहार हटवाने संबंधी डिप्टी कमिश्नर की ओर से हुक्म जारी किए गए। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में स्टेट नेशनल हाईवे, गांवों को जाने वाली सड़कों, बिजली और टेलीफोन के खंभों पर लगे पोस्टर हटवाने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और इसके अलावा उन्होंने समूह विभागों के अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि कोई भी अधिकारी चुनाव अफसर की मंजूरी के बिना अपना स्टेशन छोड़कर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आचार संहिता की पालना की जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी लगन से पूरी हो सके। सुखचैन सिंह की फिरोजपुर से न्यूज इंडिया नाउ के लिए रिपोर्ट। लोकेशन नैचुरली थोड़ी घट होंगे क्योंकि एक एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन दो दो बूथ भी होंगे ने। पोलिंग टोटल स्टेशन 879 लोकेशन हो गया, 633 हाइपर सेंसिटिव पोलिंग लोकेशन 23 ने, ये 366 बूथ कवर हो रहे हैं और सेंसिटिव जड़िया पोलिंग लोकेशन ने 229 ने, ये 315 पोलिंग बूथ कवर हो रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ।